खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां आईपीएस अधिकारी अखिलेश को दिल्ली हेड ऑफिस बुलाया गया है। अखिलेश की पत्नी ने लगाए थे गंभीर आरोप, सीबीआई में तैनात है आईपीएस अधिकारी अखिलेश। आपको बता दें, दिल्ली यूपी कैडेट के आईपीएस अधिकारी अखिलेश सीबीआई में हैं। उनके खिलाफ पत्नी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली हेड ऑफिस बुला लिया गया है। तो सीबीआई में तैनात है आईपीएस अखिलेश। आईपीएस अधिकारी अखिलेश को दिल्ली हेड ऑफिस बुलाया गया है। अखिलेश की पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब दिल्ली हेडक्वार्टर की तरफ से उनको तलब किया गया है। तो सीबीआई में तैनात है आईपीएस अखिलेश, जिन्हें दिल्ली हेड ऑफिस से बुलाया गया है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अंजलि पोखरियाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि, लगातार देख रहे थे आईपीएस अखिलेश को लेकर, उनकी पत्नी तमाम आरोप लगाई थी और अब दिल्ली हेडक्वार्टर की तरफ से उन्हें तलब किया गया है। क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है उन पर, क्योंकि आरोप बड़े गंभीर लगे हुए हैं? देखिए ऋतु, अगर हम आपको बताएं तो ये मामला जनतन टीवी ने बहुत ही प्रमुखता से उठाया था शुरुआत से, जिससे लेटर श्रुति मिश्रा जो उनकी वाइफ है उनका वायरल हुआ था। वो खुद भी सरकारी पद पे तैनात है, खुद भी सरकारी अधिकारी है। 2014 में इनकी शादी हुई थी, इलाहाबाद की ये बेसिकली फैमिली है। और उसके बाद लगातार उन्होंने अपने पति अखिलेश कुमार चौरसिया के ऊपर, जो एक 2017 के आईपीएस अधिकारी है, उनके ऊपर इन्होंने कैडर के, यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी, जिनके ऊपर इन्होंने एक चार्ज लगाया था, जो इस वक्त चंडीगढ़ में सीबीआई डिप्यूटेशन पे तैनात है। अगर आपको बता रहे तो उनको तलब नहीं करा गया है, इनका जो ट्रांसफर है वो चंडीगढ़ से दिल्ली करा दिया गया है। हम भी कहेंगे कहीं ना कहीं इनको हेड ऑफिस बुलाया गया है। ये एक प्रोसेस हो सकता है कार्रवाई का, कि जितने भी इल्जाम इनकी पत्नी ने इनको ऊपर लगाए वो काफी संगीन है, काफी सीरियस आरोप है, जिनका लेटर उन्होंने अमित शाह होम मिनिस्ट्री से लेकर यूपी के तमाम आला अधिकारियों को भी भेजा गया था। और अगर हम उस लेटर में देखें तो कहीं ना कहीं जितनी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं दिल्ली की और नेशनल लेवल की, उन सबको ये लेटर दिया गया, लेटर भेजा गया। और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये दलील भी दी है कि सरकारी पद पर, और एक बहुत बड़ा स्कैम मान सकता है कि कितने ही लोग सरकारी पद पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करके औरतों के साथ यौन शोषण करते हैं, इसका पूरा ब्यौरा उन्होंने उस लेटर में दिया है। अगर आपको अंदर की बात है तो सीबीआई में जब से लेटर वायरल हो तब से उनसे संपर्क करने की कोशिश करी जा रही है। हमारे जनता टीवी के हम लोगों ने भी और हमारे जो संवाददाता है उन्होंने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, पर उनका नंबर नहीं लग रहा है और किसी भी तरह की जवाबदेही इस लेटर पे नहीं ले रहे हैं। उनसे जब एक दो बार बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि उनको इस लेटर के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये अगर ये स्टेप हुआ है, ये एक्शन लिया गया उनके खिलाफ, तो ये बहुत बड़ा सबूत है, ये कहीं ना कहीं सीबीआई तक ये लेटर पहुंचा है और तमाम मीडिया के प्रेशर की वजह से उनको दिल्ली वापस बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते उनको तलब किया गया है। हाँ, उनका जो ट्रांसफर था चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ में वो सीबीआई डिप्यूटेशन पे थे, उससे उनको दिल्ली डिप्यूटेशन पे वापस बुला लिया गया है। आगे इसमें कार्रवाई होगी, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये है कि उनको चंडीगढ़ से दिल्ली बुला लिया गया है। ठीक है अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पत्नी ने अखिलेश पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। उनका ट्रांसफर अब दिल्ली कर दिया गया है, चंडीगढ़ में तैनात थे लेकिन अब दिल्ली में उनका ट्रांसफर किया गया है।